नमस्कार आदरणीय इंडिया टाइम्स इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान। इंडिया टाइम्स संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंत्री ने बीजेपी को टटाच करते हुए कहा कि बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीट जीतने जा रही है। ना हम जीतेंगे, ना गठबंधन जीतेंगे, ना एलियन जीत, सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी। गठबंधन 23 को टूट जाएगा। पीएम मोदी के बयान पर कच कटाच करते हुए कहा कि पहले कहते थे ये गठबंधन नहीं बनेगा, तो क्या ये गठबंधन नहीं बना? कहते थे कि टिकट बंटवारे का टूट जाएगा, तो का टिकट बंद भी हो गया और प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं गठबंधन टूटने की तारीख 23 मई को टूटेगा, गठबंधन 23 को गणना होने जा रही। जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या आप मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, तो मंत्री ने कहा कि अगर चाहते तो बीजेपी की इकाई ओम प्रकाश को जरूर ढूंढती। वहीं अखिलेश यादव के संबंध में पूछने पर मंत्री ने महान नेता बताया। अखिलेश की तुलना सूरज और निरहुआ की तुलना दीपक से की। 23 तारीख को बाद बीजेपी से मिलने जाएगी, क्या दिक्कत है? शिवपाल को क्या दिक्कत है? तो मिल चुके हैं शिवपाल जी, तो मिल चुके हैं, जिनका सरकार बनते ही सुरक्षा हटाई गई और जब वो मिल लिए हैं बीजेपी से, तो उनको सुरक्षा मिल गई, बेटा बंगला मिल गया और सीट भी मिलने की प्रबल संभावना थी। 15 तो मांग रहे थे, वो सब कहें नहीं 15 नहीं, एक आध तो ले लो, तो वो तो पहले मिल चुके हैं। जो गरीब कमजोर है, जिसके पास ना रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई नहीं है, वो असली गुरु है। सबके पास हीरो, जैसे आपने कहा कि सबके पास हीरो है, आपका हीरो कौन? अरे हमारे पास तो ये गरीब जनता हीरो है, ये जिसको चाहे उसको हीरो बना दे। देख रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, फिर गाड़ी पर सवार हो रहे हैं, फिर हसुआ जा करके गेहूं काट रहे हैं, बारे गरीबों में तेरी वो ताकत है कि आज नेता तेरे शरण में आकर के गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी इज्जत बचा दीजिए। तो मंत्री जी, चूंकि हेमा मालिनी फेमस हीरोइन थी और जनता उनको देखने के लिए व्याकुल रहती है, तो कम से कम या तो कोई हर पार्टी के पास कोई हीरोइन हो ताकि जनता उसको देखकर उसको वोट दे। ऐसा कुछ नहीं, देखने के लिए लोग बहुत से जुटते हैं, जब वोट देने की बात आती है तो खत्म हो जाता है। मतलब आप मानते हैं कि हेमा मालिनी तरीके से हार जाएंगे? भले वो हेमा मालिनी कहाँ से हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिताने के लिए ना भेजा है, जब तक 23 मई की गिनती ना हो जाए तब तक कैसे हारेंगे? मंत्री प्रज्ञा ठाकुर का आखिर विकास के मुद्दे क्या? तो हम देखिए, हम तो भाजपा के साथ रहे हैं, पहले तो कहते थे गठबंधन नहीं होगा, फिर गठबंधन हो गया, फिर वो कहते थे गठबंधन चलेगा नहीं, चल भी दिया, दो राम का चुनाव भी लड़ लिया, अब कह रहे हैं कि 23 के बाद गठबंधन नहीं रहेगा, तो 23 की गिनतियाँ तो हो जाएगी अब ना, 23 की गिनती के बाद तब ना गठबंधन टूटेगा कि पहले ही टूट जाएगा? उनका जैसे उम्मीद है कि ये सिर्फ 23 मई तक दिखावा है, 23 मई को जब टीवी पर आएगा तो जब 80 सीट भाजपा जीतेगी तो ये अपने आप गठबंधन टूट जाएगा। तो मंत्री जी, इस उम्मीद के साथ है कि कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश यादव के सामने जो फिल्मी भोजपुरी स्टार है उनको खड़ा कर दी है, तो आप क्या मानते हैं कि अखिलेश की स्थिति क्या रहेगी आपके हिसाब से? के अखिलेश नेता हैं, अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम रहे हैं, और अखिलेश जी के सामने वो स्थिति है कि सूरज के सामने दीपक दिखाना, निरहुआ उनको नहीं हरा, सूरज के सामने दीपक दिखाने का काम हो रहा है अखिलेश जी के सामने। अखिलेश जी सीएम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, धरातल है भाई, रिक्शा चलाने से नहीं होगा। और प्रज्ञा ठाकुर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कभी एटीएस के चीफ के बारे में उल्टा सीधा कह रही हैं, और आज उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के ढांचा जो टूटा गिरा उस पर उनको फक्र है, तो ऐसे बीजेपी जो है ऐसे लोगों को क्यों उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर रही है, क्या कारण? हम तो चुनाव आयोग से कहूंगा ऐसे बयानबाजी को संज्ञान में लेकर के, जो कानून के दायरे में जो बातें बनती है ऐसे लोगों के ऊपर बयानबाजी पे अंकुश लगना चाहिए। नहीं, और बीजेपी को क्या ऐसे मतलब लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए आपके हिसाब से? अब वो अटल जी की बीजेपी नहीं रह गई है, जो अटल जी की बीजेपी थी अब वो बीजेपी नहीं रह गई है। अब किसकी बीजेपी? बीजेपी जो लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस वन मैन वन पार्टी है, अब वही एक पार्टी रह गई है, अब वो बीजेपी नहीं रह गई है। वन मैन पार्टी मतलब सीधे तौर पे जैसे लोग कहते हैं कि परिवारवाद कांग्रेस को कहते थे,
अब तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गुजराती कब्जा कर लिए हैं भाजपा पे। आप अधिक नाराज हैं बीजेपी में, आप तो हर मोड़ पे गए होंगे, आप योगी से लेके अमित शाह से लेके और जितने जो नेता हैं सबके पास गए होंगे, क्यों नहीं आपकी बात उन्होंने सुनी, क्या कहा? देखिए, हम किसी से नाराज नहीं, किसी नेता से नाराज नहीं, हम सभी नेताओं से खुश हैं। हम अपने पर नाराजगी जताते हैं कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले ये पिछड़े पिछाड़े गए लोग, गरीब कमजोर लोग, इनके साथ सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में धोखा होता आया है और आज भी धोखा हो रहा है। उस धोखे से बचने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज 72 साल की आज़ादी में प्राथमिक विद्यालय में हमारे दादा पढ़े, बाप पढ़े, हम पढ़े, बच्चे पढ़ रहे, सब टाटे पर पढ़ रहे हैं। हम शिक्षा में सुधार की बात करते हैं तो फिर प्राइमरी स्कूल में हम डेस्क मेज कुर्सी बेंच की व्यवस्था क्यों नहीं करते? हम सुधार की बात करते हैं तो जब कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है तो प्राथमिक विद्यालय में इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं? शिक्षा के सुधार की बात होती है तो 1,70,00,000 गरीबों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं तो उसमें सुधार कैसे हो? किसी नेता के पास इस पे बहस करने के लिए फुर्सत नहीं है। आज करोड़ों नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, बेरोजगारी कैसे दूर हो? किसी नेता को चर्चा करने का सवाल बहस नहीं है। गरीबों में आज उत्तर प्रदेश में, आज बगल का बिहार है, गुजरात है, शराब बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो इसके लिए किसी के पास बहस करने के लिए समय नहीं है, किसी नेता के पास जवान में ताकत नहीं है। आज लड़ रही है तब गठबंधन क्यों लड़ रहा है? मंत्री जी, अगर यूपी से 80 सीट, अगर मंत्री जी अगर यूपी से 80 सीट बीजेपी जीतेगी तो फिर तो मोदी ही पीएम होंगे, तो आप भी चाहते हैं वो जनता मोदी? अगर हम चाहते तो चुनाव मैदान में क्यों जाते? हम चाहते तो चुनाव मैदान में क्यों जाते? भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती उत्तर प्रदेश इकाई कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने तो ओम प्रकाश राजभर को वो लोग खोजते, लेकिन जब वो अकेले प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत में हैं तो फिर ओम प्रकाश की क्या जरूरत है? मंत्री जी, डीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह है तो असली ओबीसी है, पिछड़ा है, जबकि मोदी नकली पिछड़ा है, जबकि आप भी ओबीसी से आते हैं, तो आखिर क्या माजरा है? किस जनता कैसे जानेगी कि असली ओबीसी का नेता कौन है या कौन असली ओबीसी का नेता है आपके हिसाब से? ये बात तो मायावती जी से पूछिएगा तो उसे इसलिए बताएंगे। फिर भी एक राय आपकी कि मोदी क्या असली? जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टी में अलग अलग जातियों से नेता बना रखा है, उन्हीं के सहारे अपनी पार्टी को वोट दिलवा लेते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद फिर ओबीसी उस नेता की, शेड्यूल कास्ट के उस नेता की कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये बात मायावती जी कह रही हैं तो भाई सही कह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ के हिसाब से ओबीसी का नेता खड़ा होता है, फिर वोट पाता है और वोट के बाद जो ओबीसी जो आम लोग हैं उनको भूल जाते हैं, आपका ये कहना है सीधे तौर पर? बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, कोई भी दल हो, किसी दल में जो भी नेता हैं शीर्ष नेतृत्व के नीचे, उनका नाम क्यों नहीं लोग लेते हैं? चाहे वो जिस तरह मायावती जी का बयान है, उनके दल में भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, विभिन्न जातियों के लीडर हैं, लेकिन वो बैकवर्डों के लीडर नहीं हैं, वो अपने जाति के लीडर नहीं हैं, ये उनके कथनानुसार जो आप बता रहे हैं हुआ है। कहीं ना कहीं एक आस अभी भी आपको है कि बीजेपी अगर बुलाएगी, अगर आपको अलायंस के लिए, तो क्या फिर दोबारा शामिल हो? देखिए, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन अब वो काम खत्म हो गया, अब वो अपना प्रत्याशी घोषित करें, अब वो बुलाएंगे भी तब भी हम नहीं जाएंगे, हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आज से हमारी चुनावी जनसभा बलिया के सलीमपुर से हम शुरू करने जा रहे हैं, कल हमारा कार्यक्रम चंदौली में है, परसों हमारा कार्यक्रम अम्बेडकर नगर है, अब हम अनवरत 25 दिन का हमारा कार्यक्रम लग चुका है, हम चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं।
कितने सीट बीजेपी के कितने सीटों को हराने पे आप हराने में आप सक्षम रहेंगे? हम भारतीय समाज पार्टी की ताकत अपने संगठन के बल पे नामांकन हमारा जो प्रत्याशी करता है या जितने लोग करते हैं वो तब तक चुनाव जीतते हैं, सब लोग जीतने के लिए लड़ते हैं जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है। मतलब एक चीज़ मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ज़रूर होगा आपके? नहीं, बीजेपी 80 सीट पर अकेले अपने दम पे चुनाव जीत रही है, उसको किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। उसे इस बात का यकीन हो गया है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीत रहे हैं। मतलब उम्मीद क्या है आपको कि सभी सीट पे 80 सीट बीजेपी जीत रही है, बाकी सब जो अलायंस है कुछ ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, हम लोग नहीं जीतेगा ना अलायंस जीतेगा, तो ये कांग्रेस जीतेगा, मतलब सब बीजेपी जीत रही है 80 सीट। मतलब ये आपके आवेश में? नहीं नहीं, ये 80 सीट बीजेपी जीत रही है। हाँ, ये हम कह रहे हैं तब बीजेपी को कैंडिडेट पिछाड़े गए लोगों को, इनको रोजगार कैसे मिले, इनके राशन कार्ड आवास शौचालय पेंशन कैसे बने, इस पे बहस करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। सब अपने मन के मालिक हैं, जो बोल दे वो बड़े नेता वही सही है, अगर गरीब बोल दे तो गलत है। मंत्री जी, 5 साल से आप बीजेपी के साथ थे, ये सारे मुद्दे आपके पास थे, तो क्या इन मुद्दों में से कोई भी मुद्दा हल नहीं हो पाया? नहीं, समाधान नहीं हो पाया। किसी प्राइमरी स्कूल को बताइए, किसी एक जिले को बताइए, मेरा सुझाव था कि एक जिले को ले लीजिए, एक जिले को ही हम लोग ठीक करें, 75 जिले हैं, हम लोग 5 साल में 5 जिले भी ठीक करेंगे तो आगे हम लोग कहने लायक रहेंगे कि 5 जिले में हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय में सुधार लाया। तो मंत्री, हमने सारा बंदी को लेकर के कैबिनेट से लेकर के बाहर भीतर सब जगह बोला। तो मंत्री जी, बीजेपी नहीं, आपके पास सपा का ऑप्शन खुला हुआ है, राहुल गांधी कांग्रेस का खुला हुआ है, अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि आप चाहे वो राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा सपा भाजपा हो, सब एक, सब गरीबों का शोषण करते हैं, सब पिछड़ों का शोषण करते हैं, इनकी नीयत है और कोई काम नहीं है, खाली बस आपस में गुमराह करके अभी समय आ रहा है, कोई हीरो ला रहा है तो कोई हीरोइन लिया दे रहा है, तो कोई बैंड बाजा बजा रहा है, तो कोई घुरहुआ को लिया रहा है, तो कोई किसको पकड़ रहा है, लेकिन असली घुरहु जो है उसके विषय में किसी का ख्याल नहीं है। कौन है मंत्री? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता भारतीय समाज पार्टी का हुआ और 2017 के चुनाव में ईमानदारी से पूर्वांचल से हमने 125 सीट जिताने में हमने 10,000 5,000 20,000 25,000 30,000 वोट दिलाने की कोशिश किया, जहां हमारा संगठन जितना था उतना हमने वोट दिलाया, 125 सीट जीते हारे उसमें हमारी भूमिका है। लोकसभा के चुनाव में हम एक सीट भारतीय जनता पार्टी से मांगते मांगते थक गए और आज तक वो हमको नहीं दी। हमने 5वें चरण में कुछ सीटें गोंडा कैसरगंज लखनऊ नामांकन करवा दिया, पर्चे की जांच हो गई। 6वें चरण में बस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थनगर डुमरियागंज लालगंज आजमगढ़ अम्बेडकर नगर इलाहाबाद फूलपुर मिर्जापुर अवतेशगंज इन सभी जगहों पर नामांकन कल कुछ जगह हो गए हैं, कुछ जगह कल हो जाएंगे, कल परसों में नामांकन, और अंतिम 7वें चरण में भी हमारे प्रत्याशी नामांकन की तैयारी में लगे हुए हैं। अब हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं, हम भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। अभी भी कोई उम्मीद जैसे